हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया है स्किल डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेके आए हैं। यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत है। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ नेशनल इम्पोर्टेंस की ये संस्थान है जहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 3 नवंबर को जारी हुआ है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी एप्लीकेशन फॉर्म है पीएचडी का ये है और एप्लीकेशन फॉर वर्ड है पीडीएफ में और वर्ड में दोनों में है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के आप भर सकते हैं। तो ये देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन में नोटिस में क्या क्या है। पूरा इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में एक एक पॉइंट पर आपको हम बताएंगे डिटेल्स में ताकि आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा पीएचडी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आप पीएचडी में पीएचडी करने के इंटरेस्ट है कि आप पीएचडी में एडमिशन हो तो आप वो वीडियो देखें। मैं किन किन यूनिवर्सिटियों का अभी तक वीडियो बना हूँ एक एक करके आपको मैं बताना चाहूँगा। चाहता हूँ कि मैं हमेशा इस पर स्किल डायरेक्शन पर मैं पीएचडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेके आता हूँ, पार्ट टाइम फुल टाइम, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो या ये आई सर का हो या आईआईटी का हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, यहाँ से हर से रिलेटेड बनाते रहता हूँ। देखिए जामिया का भी बनाया हूँ मैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में 2 वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। इसमें जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैंने सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश का उस पर वीडियो बनाया हूँ, तो भी जाकर आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू से रिलेटेड स्टूडेंट को का को कुछ नोटिस था, डाउट था, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ, वो भी देख सकते हैं आप। इसी तरह से मैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो है डीयू जेएनयू का जो निकला हुआ था वीवीओ का, उसके बारे में जो की आंसर की डायरी जारी हो गया है तो उसके बारे में वीडियो बनाया हूँ। इसके साथ मैं बता दूँ कि इस पर मैं हाउ टू इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, प्रिपरेशन इंटरव्यू, तो उसके बारे में बताऊंगा कि इंटरव्यू में आप किस तरह से तैयारी करके जाएं तो क्या आपका सिलेक्शन होने का पूरा स्टेप बाय स्टेप इस पर बताऊंगा। और ये है आई के गुजराल यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर विथ फेलोशिप के साथ नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसी तरह HPU का PhD नोटिफिकेशन जारी हुआ है विदाउट एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये PhD असम यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पर थ्रो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है विदाउट नेट, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 500 सीट है, ये आपका अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए अगर PhD करना चाहते हैं। यहाँ साइंस और सोशल साइंस हर और ह्यूमनिटीज़ और लैंग्वेज के हर सब्जेक्ट के यहाँ पे नोटिफिकेशन निकले हुए हैं, स्टडी होते हैं उसमें, PhD होते हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह IIT भिलाई में है, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी नोटिफिकेशन होगा आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर PhD करना है तो आपको बार बार नोटिफिकेशन देखते रहना होगा। तो PhD से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन मैं जारी करता रहता हूँ, यहाँ तक एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के बारे में भी देता हूँ, UGC नेट की तैयारी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, तो आप इससे देख और अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं और आगे की बातें बताते हैं। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सोनीपत, तो यहाँ का नोटिफिकेशन पर हम आ गए हैं नोटिफिकेशन ब्राउज़र पर। मैं आपको यहाँ पे एक एक इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, देख लीजिए। जैसे कि है यहाँ पे PhD एडमिशन नोटिफिकेशन 2023-24 के लिए, यहाँ पे इवेंट सेमेस्टर का लिए निकला हुआ है, लिखा हुआ सीधे सीधे कि द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है। आई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है यहाँ पे, और ये लगभग 50 एकड़ में एरिया में बना हुआ है, विलेज ऑफ किलोर में है यहाँ पे सोनीपत में, और यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में दिया है डिपार्टमेंट और रिसर्च एरिया भी दिया है यहाँ पे। तो बता दें आपको आपको कंप्यूटर साइंस में निकला हुआ एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, इसका एरिया पे स्पेशलाइजेशन भी दिया हुआ है पे, तो ये भी देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ई
ECE जो है वहाँ में भी निकला हुआ है, यहाँ पे भी इसका दिया है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया है वहाँ पे। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में लैंग्वेज में निकला हुआ है, और ये ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकला हुआ है। तो ये है ऑल एरिया ऑफ इंग्लिश लाइक सिमोनटिक्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस CDEELT है, जो लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज है, इसमें निकला हुआ है। और PhD स्कीम जो है द इन द इन दिस कॉल द इंस्टीट्यूशन ऑफर द PhD प्रोग्राम फुल टाइम में के आपको यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और PhD एडमिशन कैटेगरी जो है इंडस्ट्रियल के अंतर्गत कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटर्न कैंडिडेट फॉर द इंडस्ट्रियल एक्सटर्नल इंडस्ट्री में जो है आपको वहाँ से अगर कोई फेलोशिप है प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्पॉन्सर कैंडिडेट जो कोई स्पॉन्स कर रहा है कोई संस्था प्राइवेट या कोई अदर संस्था, PSU जो हो गया इस तरह के प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसके तहत एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट फॉर द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और अफिलिएटेड होना चाहिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट से, ये भी वही इसका नियम है सबका, तो ये होना चाहिए आपके पास। स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैंडिडेट में आपको इंटरनल सेल्फ स्पॉन्सर कैंडिडेट भी है, और एक्सटर्नल फंडेड जो स्पॉन्सर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अदर एलिजिबल क्रटेरिया की एलिजिबिलिटी क्रटेरिया की बात किया जाए तो आपको बता दें कि देख लीजिए एक एक पॉइंट के बताते हैं। कैंडिडेट फॉर इंडस्ट्री में है और एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल इंडिया है तो इसमें दिया है 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रोग्राम टिल द डेट ऑफ सबमिशन आप कर सकते हैं। द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है पूरा इसमें दिया हुआ है। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए क्या है डिजरेबल, आपके पास गेट होना चाहिए SC ST के जो है उसको 6.5 होना चाहिए, 10 ग्रेड में होना चाहिए, और PWD के लिए और 60% मार्क्स चाहिए। और हम SC ST OBC और SC ST और PWD है तो उनको 55% मार्क्स चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ रिलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा आपके पास देखिए यहाँ पर दिखा भी देते हैं, यहाँ पर गेट का आपका होना चाहिए यहाँ पर। इसी तरह इसेंशियल में दे दिया है यहाँ पर आपको कि बैचलर डिग्री में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट क्लास के आपके पास होना चाहिए, रिलेवेंट इंडस्ट्री में आपका होना चाहिए गेट। और ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस फॉर द अदर साइंस मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में होना चाहिए आपको मास्टर डिग्री, रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसी तरह से एकेडमिक और देखिए लास्ट में दिया है एक बता अगर मैंने इस पर बता दूं कि यहाँ पे डिजरेबल आपको वैलिड गेट UGCR नेट इंस्पायर्ड जो है नेट गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। तो एकेडमिक ईयर में 2 ईयर्स का जो बताया है इसमें मिनिमम कैटेगरी बताया है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के तहत ही यही लागू हो रहा है यहाँ आपके सेम है यहाँ पे। और अदर कैंडिडेट के लिए भी दिया है आपके पास सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। और डिटेल्स में आपको देखना है तो आप पढ़ सकते हैं, हमें यहाँ पे मैं डिटेल से बताना मुश्किल है, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ऑन बोथ इंटरव्यू भी होगा, पर रिटन टेस्ट दोनों के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और फॉर द रिटन टेस्ट लेटेस्ट गेट सिलेबस विल बी फॉलो द गेट टेट और CEC जो है मैथमेटिक्स इंग्लिश सिलेबस के अनुसार आपका होना चाहिए। ट्यूशन फी दे दिया है, फी स्ट्रक्चर दिया है, तो आप देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर। ये तो इनविटेशन के बाद ही है, ये कोई नो बिग डील, ये कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। और देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है आपका किस तरह से करना है यहाँ पे, द एप्लीकेंट्स टू द फिल कॉपी ऑफ द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन गिवन इन द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट पर दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए कि आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, तो ये बात का ख्याल रहे। और उसको आपको पूरा सर्टिफिकेट लगा के और स्पीड पोस्ट करके भेजना है, सर्टिफिकेट स्टोन ऑयल और अदर जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है फोटो के साथ, जो पहले जिस तरह से फॉर्म अप्लाई होते हैं उसी तरह से आपको अप्लाई करके भेजना है। अब ज़्यादातर तो ऑनलाइन हो गए लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन है, ऑफलाइन में इसी तरह भेजा जाता है। और ऑल कैंडिडेट जो है एप्लीकेंट आर
विच द नॉट प्रेस्क्राइब, अगर नहीं भेजेंगे रेडीमेड में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी होने की संभावना है, और रिजेक्ट भी हो सकता है इंस्टीट्यूशन उसको रिजेक्ट कर देगी। तो ध्यान से देखिए, भरिए और देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे आपको डेट ही यहाँ पे शो कर दिया है, यहाँ पे डेट है जो 27 नवंबर तक है, और अप्लीकेशन फ़ी दिया है, फ़ी सैलरी देख लीजिए, और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर हैं तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी। और अगर वहीं आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो वहीं आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, दोनों हमें यहाँ पर दे दिया गया यहाँ पे, और अकाउंट में देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको बोले ना ट्रेडिशनल है, आपको इस अकाउंट नेम में आपको बनाकर दे डालना होगा, हालांकि ये तो ऑनलाइन होता है लेकिन यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देना है, तो इसको जल्दी भर दीजिए क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बनाने में टाइम लगता है, एक दिन तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने में ही लग जाएगा, तो इस तरह से आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इसको ऑन टाइम इसको भर दीजिए। तो ट्रेडिशनल वे में भरा जाता है और इसमें दिया है पूरा, और जब भी फॉर्म भरिएगा तो एक बार इसको नोटिफिकेशन को डिजिटल डिटेल्स में देख लीजिए, कोई भी डाउट हो उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। ये ध्यान रखिए, लेकिन गलत फॉर्म में भरिएगा ना तो आपके 1000 रुपया जाएगा लगभग, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते करते आपको 1500 रुपया तक खर्चा हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें, पैसा लगेगा। स्टूडेंट हैं आप, इस तरह से पूरा फुलफिल करना होगा आपको, और सबमिशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट देखिए पूरा यहाँ पे आपका मांग रहा है, ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री तक, गार्जियन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, लेटर ऑफ कंसेंट जो है एक्सपीरियंस वाला वो होगा, ईडब्ल्यूएस का हो गया या ओबीसी का, इसी तरह से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का भी सर्टिफिकेट है तो भी आप लगाइए यहाँ पे। इसी तरह से आपका जनरल कैंडिडेट हैं तो उसके पूरा दिया है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पूरा दिया है, तो कोई खास नहीं है, सब रहता है पीएचडी कैंडिडेट के लिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो ये हो गया आपका एडमिशन के लिए। लेकिन देखिए एसओपी होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका जो होता है ना, कुल मिला के एसओपी जिसे कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज द अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद द एडमिशन कमिटी यू थ्रू द फीलिंग अबाउट पीएचडी स्टूडेंट IIT सोनीपत। देखिए इम्पोर्टेंस है, अगर ये नहीं लीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको बात से सही से देख लीजिए कि ये एसओपी किस तरह से बनाया जाता है, तो इसमें किस तरह से देखिए ये पॉइंट है, आपको ये पॉइंट को आपको फॉलो करना होगा, इस बेस पे आप बनाइए कितना ब्रीफ डिस्क्राइब पास्ट प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क डन बाय द रेस्टिनेट योर सेल्फ 500 वर्ड में देना है, द पर्सनल एसओपी विल एड द एडमिशन कमिटी इन द इवेल्युएशन योर एप्लीकेंट, तो इसको अच्छा से बना लीजिए 500 शब्द से 600 शब्दों में आपका पूरा एसओपी, और नहीं जानते हैं तो बता दीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा आपको बनाकर किस तरह एसओपी बनाया जाता है, अगर हालांकि मास्टर तक स्टूडेंट जान जाते हैं और वर्क एक्सपीरियंस रहता है उसको, उनको मालूम रहता है कि एसओपी किस तरह बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो उनको इजीली मालूम होता है, अगर नहीं मालूम हो तब पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे होगा कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन एकेडमिक डिसिप्लिन यू मे बी इंक्लूड ए सेपरेट फॉर्म, आपको दोनों बना के दो, सेपरेट आपको फॉर्म भरना होगा, सेपरेट आपको DD बना के अलग से देना होगा, और सेपरेट अलग अलग भेजना भी होगा डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो ये बात को ख्याल रहे। दूसरा पॉइंट है द प्रपोजल शुड कंटेंट, अगर जो प्रपोजल जो होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल जो इसके साथ लगा के भेजिएगा, तो उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना चाहिए, रिसर्च एरिया आइडेंटिफाई होना चाहिए, ये ब्रीफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, आपका मेथडोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन कौन सा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब पूरा लिख के आप उसमें डालिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या, यहाँ तक कि चैप्टराइजेशन भी डाल दीजिएगा एकदम पूरा प्रॉपर में, और साइटेशन भी और रेफरेंसेज भी पूरा डाल के अच्छे तरह से बना के दीजिएगा, कम से कम 5 पेज में बना के आपको इसको दीजिएगा, हालांकि इसमें दिया गया है कम, लेकिन 5 पेज में बना के दीजिएगा, 2 से 3 हज़ार वर्ड के बीच में अराउंड आपको बना लिख कर देना होगा, तो बेहतर रहता है, इससे पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट को जानकारी है और बेसिक नॉलेज इनको है कि किस तरह से बनाया जाता है।
ये हो गया। और उसका एप्लीकेंट नेम लिखना होगा और पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पर लिख देना होगा, और प्रोग्राम फुल टाइम पार्ट टाइम इस तरह से लास्ट में आपको लिख देना होगा। इस तरह से देखिए सब लिखिए, लिख के डालना होगा आपको, और लेटर ऑफ कंसर्न को जो है लेटर इस तरह से बना के देना होगा आपको। और उसी तरह से आपको रिटन टेस्ट सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए लिटरेचर एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लिटरेचर एंड थ्योरी क्रिटिसिज्म से पूछे जाएंगे, लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछे जाएंगे, लैंग्वेज से पूछे जाएंगे आपको, और लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन लैंग्वेज से माइंड से पूछे जाएंगे, लैंग्वेज एंड साउंड से जो है वो पूछे जाएंगे, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, लैंग्वेज एंड सोसाइटी से, इसी तरह एरिया और स्टडी से, लैंग्वेज से, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको मैं फॉर्म दिखा देता हूँ कि फॉर्म किस तरह से होते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है आपको, इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसको आपको भरना हुआ है। यहाँ पर ऊपर भी सीधे सीधे लिख दिया है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट कितने का बना के देना है, यहाँ पर फोटो आपको शेयर करना है, यहाँ पे आपको डीडी बना के देना है, यहाँ पर नंबर लिखना होगा, सभी लिख के देना होगा, डेट अमाउंट लिखना होगा यहाँ पे अपने से, और इसी तरह से पूरा डिटेल्स आपको भर के देना होगा। डायरेक्टर देखे यहाँ पर दिए सुन, यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्टर किसको बना के देना है, भेजना है आपको, पूरा डिटेल्स है, नाम है, नेम है, कैपिटल है, तो ये सब है, आप ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप सब भर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स है, देख लिया कोड, गेट का कितना स्कोर है, पूरा मैं आपको देना होगा पूरा, ये सब तो बेसिक चीज़ें। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आ गया है, यूजीसी नेट का जो समरी आपको देना होगा पूरा, और समरी ऑफ एक्सपीरियंस को देना होगा आपको, और डिक्लेरेशन देना हो तो ये सब पूरा आपको भर कर देना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन भी यहाँ भी दे दिया है तो पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एसओपी आपको देना होगा यहाँ पे, इस तरह से दे दिया है आपको, उसको भर कर दे दीजिएगा, ये भी रहेगा साथ में लगा रहना चाहिए, तो पूरा ये रहना चाहिए आपको। लेटर ऑफ कंसेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए है, और एसओपी सबके लिए है, और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि एप्लीकेशन फॉर्म शुड भी इंग्लिश में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, द एप्लीकेशन शुड बी द नेम, फादर्स नेम इस पर सब होना चाहिए, नो कॉलम शुड बी ब्लैंक होना चाहिए, कोई छूटना चाहिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, और एप्लीकेशन फॉर्म जो होना चाहिए नॉट कंपाइल होना चाहिए, रिक्वायर्ड द डॉक्यूमेंट फी जो होना चाहिए सब होना चाहिए, नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन में, अगर नहीं रहेगा तो सब नहीं होगा। आफ्टर द सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म नो सब स्टूडेंट आर अलाउड टू टेक बैक द एप्लीकेशन फॉर्म, बैक नहीं लिया जाएगा, सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट गारंटी टू एडमिशन के लिए गारंटी नहीं, ये हो गया। तो ये रहा पूरा ये पीएचडी से रिलेटेड अपडेट, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इस तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इन फ्यूचर में तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरे ओर से लास्ट में बेस्ट ऑफ लक है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सिनोप्सिस पर रहिए और पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू वॉचिंग स्किल लैब्स। हेलो स्टूडेंट, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर पीएचडी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पिछले एक महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 यूनिवर्सिटियों के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन पर ऑन टाइम वीडियो बनाया है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन।